नमस्कार दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ठंड बहुत बढ़ गई है तो आज का वीडियो जो है वो इसी पर बेस्ड है। नवजात शिशु को इस ठंड में कैसे बचाएं, तो लीजिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर नवजात शिशु का कितना होता है। तो 97.5 से 99.5 जो है ये बॉडी टेम्परेचर का रेंज है। नॉर्मल क्लिनिकल थर्मामीटर से हम लोग मेजर कर लेते हैं, एक्जिला में लगा के 3 मिनट तक टेम्परेचर देखना चाहिए। डिलीवरी के बाद जब बच्चा आपको हैंडओवर किया जाता है तो आपको उसको ठंड से बचाने के लिए सबसे पहले है कि उसको दूध पिलाना शुरू कीजिए। उसको माँ और बच्चे को एक ही रूम में एक साथ स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखिए, जिसको कंगारू मदर केयर कहते हैं। बच्चे को जितने अच्छे से रैप करें, रूम में रूम हीटर का इस्तेमाल करना उचित होगा। ब्लोअर से ड्राई एयर के चलते थोड़ा सा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम हो ड्राई होने का खतरा होता है, तो रूम को गर्म रखें। और आई डोंट थिंक कि अब इस टाइम में कोई धुआं वाला चीज कोई यूज करता है घर में। अगर लकड़ी का यूज करना है तो धुआं एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तभी उसको रूम के अंदर में रखें। तेल मालिश वगैरह करते समय ध्यान रखें कि पूरा कपड़ा हटा के नहीं, बल्कि कपड़े के अंदर ही हाथ डाल के और बच्चे का तेल मालिश करें। नहाना कोई जरूरी नहीं है कि रोज रोज नहलाएं बच्चे को, एक दो दिन पे नहला सकते हैं, लेकिन गुनगुने पानी से ही नहलाएं। अदरवाइज स्पॉन्ज बाथ जो नॉर्मली करते, कपड़ा भिजा के पोंछ देते हैं बच्चे को, ये सब इस सब का ध्यान रखें। बच्चे को कैसे रैप करके रखना है उसका मेथड मैं बस दिखलाया हुआ हूँ, जो आपको इस वीडियो में दिखेगा। अभी बता रहे हैं, एक चरखूट कपड़ा लेना है, उस कपड़े का एक एंगल मोड़ देना है। मोड़ने के बाद बच्चे को आराम से उठाइए और उठा के उसके माथा को इस तरह से रखिए ताकि पीछे का जो कपड़ा है वो बच्चे के माथे पर एक आंचल की तरह, एक टोपी की तरह ढका जाए। ढकाने के बाद पैर के साइड के कपड़ा को पहले मोड़ देंगे। पैर के साइड के कपड़ा मोड़ने के बाद एक तरफ के कपड़ा को ऐसे मोड़ेंगे जैसे उसके हाथ को अंदर लेंगे, गले के नीचे से उस कपड़े को आगे बढ़ाते हुए और अंदर की तरफ घुसाएंगे, और उस फोल्ड के बाद जो एक दूसरे साइड वाले कपड़े से रैप कर देंगे बच्चे को। ऐसे में बच्चे को कभी कहीं भी ठंड नहीं लगेगी, कहीं से भी हवा नहीं घुसेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बच्चे को ठंड लग गई है इसको जानने के लिए क्या करें। तो बच्चे का तलवा छू के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चा हमारा ठंडा है कि नहीं। तलवा को पाम से नहीं, ये डोर्सम जो होता है, हैंड का बैक साइड होता है, इसका इस्तेमाल करें ये जानने के लिए कि बच्चा मेरा ठंडा है या गर्म। उसके तलवा को छू कर देखें, अगर तलवा ठंडा है तो पेट छू कर देखें, अगर पेट गर्म है इसका मतलब बच्चा जस्ट ठंडा होना शुरू हुआ है। या हाथ पैर दोनों नीला जैसा दिखाई दे रहा है तो इसको एक्रल साइनोसिस कहते हैं। इससे है कि बच्चा आपका ठंडा हो रहा है। कभी कभी देखें आपका पेट भी ठंडा है और पाँव भी ठंडा है, इसका मतलब है कि बच्चा बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो उसको गर्म रखने की ज़रूरत है, गर्म करने की ज़रूरत है। रूम में रूम हीटर के मदद से घर में आप बच्चे को गर्म रख सकते हैं। तेल भी लगाएं तो हाथ को गर्म करके तभी लगाएं। उसके बाद है दूध पिलाना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होता है कि धूप में, बहुत लोग क्वेश्चन करता है कि बच्चे को सर धूप में ले जाए कि नहीं, इतनी तेज हवा बह रही है इसमें बच्चे को धूप में ले जाना बुद्धिमानी नहीं होगी। हाँ, तेज धूप निकलता है तो आप थोड़ी देर बच्चे को अच्छे से कवर करके गोद में लेके बैठ सकते हैं। लास्ट में एक और बात कहना चाहेंगे कि सिर्फ कवर कर देने से ही नहीं, बल्कि बच्चे को दस्ताना, सॉक्स, डबल कैप पहनाकर रखें। हो सकता है बच्चा पैर मार के कपड़ा को हटा दे तो भी बच्चे को ठंड ना लगे। इन सब तमाम बातों का ध्यान रखें, और कोई भी तरह की परेशानी हो, कोई तरह की दिक्कत महसूस हो तो अपने पीडियाट्रिशियन से जाकर मिलें। सुरक्षित रहें, बच्चों का ध्यान रखें। धन्यवाद।